हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर में जितने भी रेगिस्तान है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सवाल पूछ सकते, देखो दो चार इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी एग्जाम्स में आपको तकरीबन अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी आ रही है तो आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि माउंटेन रेंजेस पे आपको सवाल आ जाता है, ग्रास लैंड्स पे आ जाता है, डेजर्ट्स पे आ जाता है, रिवर्स पे इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है, तो मेजर प्लेट्यूज पे आ जाता है। वो सारी चीज़ें हम कवर करते चलते जा रहे हैं अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में। आज का टॉपिक है मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं आते, इजी सिंपल सवाल आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आपने अच्छे से उसको पढ़ लिया, इस वीडियो को देख लिया, तो सारे के सारे MCQs आपके हल हो जाएंगे। कोई मसले की बात है नहीं दोस्तों, मेरी बात समझे अभी ध्यान से। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डेजर्ट दोस्तों, डेजर्ट क्या होता है? किसी इलाके में अगर 25 सेंटीमीटर से कम की रेनफॉल होती है, ठीक है जी, कम की रेनफॉल होती है, तो अब इतनी एनुअली बात चल रही है एक साल भर में, ठीक है चलो भाई। अब अगर इतनी रेनफॉल कम होगी तो रेनफॉल कम होने की वजह से मॉइस्चर कम होगा, मॉइस्चर होने की कम के वजह से वो एरिया ड्राई होता चला जाएगा और इसी ड्राई एरिया को डेजर्ट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है जी। इसके फीचर की बात करें, आप बोलेंगे वेरी लेस वेजिटेशन और डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन, के वेजिटेशन ही नहीं है या तो कम है, ठीक है दोस्तों, सिंपल। अच्छा जी, वेरी लेस मॉइस्चर, भाई रेनफॉल ही नहीं हो रहा तो मॉइस्चर नहीं होगा। अब मॉइस्चर आ तो कम रहा है, रेनफॉल तो कम हो रहा है, लेकिन इवेपोरेशन ज़्यादा है। इवेपोरेशन यहाँ पे क्या होती है दोस्तों? हाई होता है, इवेपोरेशन हाई हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगी, वेजिटेशन कम है और जो वेजिटेशन होगी वो आपकी थॉर्नी बुशेज होंगी, ठीक है, कटीली कांटेदार झाड़ियाँ होंगी, ठीक है, वो होगा आपका। इनकी लॉन्ग रूट्स होती है, लॉन्ग रूट्स क्योंकि पानी बहुत डेप्थ में होता है ना, तो यहाँ पे जो पेड़ होते हैं थोड़े बहुत पहले तो होते ही नहीं होते हैं, तो उनकी रूट्स जो है वो बहुत डेप्थ में होती है ताकि पानी को एब्जॉर्ब कर सके। और इस एरिया में जो पत्ते होंगे ना वो कटीले पत्ते होंगे दोस्तों, और आप देखेंगे थिक लीव्स भी होते हैं। कई प्लांट ऐसे होंगे जिनके थिक लीव्स होंगे, मोटे मोटे, जितने मोटे लीव्स होंगे ना किसी प्लांट के, उसमें से पानी उड़ने की क्षमता जो है, ट्रांसपायरेशन उतनी कम हो जाती है। जितना पतला पत्ता जितना पतला होगा, ट्रांसपायरेशन इवेपोरेशन उसमें से ज़्यादा होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जब हम डेजर्ट्स की बात करते हैं, याद रखना। तो ये हो जाएंगे हमारे इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स। नाउ वन बाय वन हम इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को देखते हैं। देखें, ये आ गया हमारा वर्ल्ड मैप। सबसे पहले देखो, जो बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं ना, स्टॉप के इंपॉर्टेंट पहले के 8-10 डेजर्ट जो हैं उनको हम दोस्तों देखेंगे, ठीक है जी, उनको हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये जो है आपका, देखो आपको पता है ऊपर नॉर्थ पोल है, ये है नीचे साउथ पोल। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो है ये अंटार्कटिका, ठीक है जी, अंटार्कटिका लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, ठीक है जी। बट ये कौन सा है? ये पोलर डेजर्ट है, सिंपल पोलर डेजर्ट है, यानी कि पोलर रीजन्स में ये डेजर्ट आपको देखने को मिल रहा है, सिंपल। दूसरा दोस्तों, ये नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी ये ऊपर बना दिया मैंने, अंटार्कटिका नीचे होता है आपका, सॉरी ये लगा लिया, ठीक है, ये अंटार्कटिका, ठीक है। दूसरा दोस्तों आर्कटिक डेजर्ट, ठीक है। तो नंबर वन, नंबर टू, ये दोनों तो पोलर डेजर्ट है, ग्लेशियर से डेजर्ट है, पूरे बर्फ से लदे हुए डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई गर्म ही होगा, डेजर्ट्स कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, रुको मैं ये भी समझा देता हूँ। डेजर्ट आपका हॉट भी हो सकता है, डेजर्ट आपका कोल्ड भी हो सकता है, डेजर्ट आपका जो पोलर रीजन्स में वो भी हो सकता है, डेजर्ट आपका सब ट्रॉपिकल भी हो सकता है, डेजर्ट कई तरीके के हो सकते हैं। नाउ दोस्तों, ये जो डेजर्ट हम देख रहे हैं ये कौन सा डेजर्ट है? ये पोलर डेजर्ट है, ठीक है जी, पोलर डेजर्ट है। अब दोस्तों, ये दो बड़े पोलर डेजर्ट हो गए, तो अंटार्कटिका और ऊपर आर्कटिक, ठीक है। नाउ इसको आप छोड़ दें, अब आ जाए मेन आप जमीन पे, जिसको आप डेजर्ट बोलते हैं, बंजर जमीन, जो आपको दिखेगी जमीन, इधर तो बर्फ ही बर्फ होगी, इनको तो छोड़ दें। नाउ इधर जमीन पे जो ड्राई जमीन है, लेस वेजिटेशन है, इसके ऊपर आते हैं दोस्तों।
इनके बाद तीसरा बड़ा डेजर्ट और नॉन पोलर डेजर्ट, तीसरा बड़ा डेजर्ट और सबसे बड़ा नॉन पोलर डेजर्ट दोस्तों, यहाँ पे आपको ये डेजर्ट देखने को मिलता है अफ्रीका में। इसका नाम है सहारा डेजर्ट, इसका नाम है सहारा डेजर्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना दोस्तों, सहारा डेजर्ट, सिंपल। सहारा डेजर्ट के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप एशिया आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो एशिया है हमारा, ठीक है, एशिया में कई सारे इंपॉर्टेंट आपको डेजर्ट देखने को मिलते हैं। नंबर वन आपका इंपॉर्टेंट है अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट। कोई एक देश में नहीं है, कई सारे डिफरेंट मुल्कों में ये फैला हुआ है अरेबियन डेजर्ट। यहाँ चाइना मंगोलिया में आपको एक डेजर्ट देखने को मिलता है गोबी डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, गोबी डेजर्ट। वहीं इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न इलाका जो है, राजस्थान गुजरात का इलाका, यहाँ आपको देखने को मिलता है थार डेजर्ट। पाकिस्तान और इंडिया में एक स्प्रेड है इसका, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों आपको देखने को मिलता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। वहीं दोस्तों आपको नॉर्दर्न अमेरिका में देखने को मिलता है ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ठीक है। साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलता है दोस्तों अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, ठीक है। और अफ्रीका में एक और इंपॉर्टेंट डेजर्ट है दोस्तों, इसका नाम है कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, बड़े वाले डेजर्ट्स हैं, इनको तो आप अपने जहन में याद रखें दोस्तों। एशिया में मैंने आपको तीन डेजर्ट लिखा दिए हैं, एक है अरेबियन डेजर्ट, एक है थार डेजर्ट, एक है आपका गोबी डेजर्ट, ठीक है, गोबी डेजर्ट। और इसके बाद में एक सीरियन डेजर्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है दोस्तों, सीरियन डेजर्ट। कई छोटे और भी है, दश्ते लूत है, दश्ते कावीर है, ये सारे डेजर्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये हमने देख लिया ओवरव्यू वन बाय वन, अब इनके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। चलो भाई, बोलता है वो है 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल का एरिया जो होता है हर साल में, उसको हम क्या बोल देते हैं, डेजर्ट है। कैन बी हॉट, कैन बी यूनिक वाइल्ड लाइफ होती है यहाँ पे, आपको कैमल स्नेक इंसेक्ट्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। देखें, अंटार्कटिका इज द लार्जेस्ट एंड द कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दोस्तों याद रखना, सबसे ठंडा डेजर्ट है अंटार्कटिका, और ये डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट भी है। और सबसे गर्म डेजर्ट है सहारा, ठीक है जी, और सहारा जो है थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है। सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, आर्कटिक डेजर्ट है। तो ये आपको पॉइंट्स याद करने, अंटार्कटिका पहला बड़ा डेजर्ट भी है, सबसे ज्यादा कोल्ड डेजर्ट भी है, दूसरा है आर्कटिक डेजर्ट, ठीक है, आर्कटिक डेजर्ट, तीसरा है सहारा डेजर्ट। लार्जेस्ट अगर आप देखें तो तीसरा है, और दूस अगर आप देखेंगे, और इंपॉर्टेंट पॉइंट, गर्मी में देखेंगे तो सबसे गर्म, अगर आपको बोला लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा हो गया दोस्तों, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट हो जाएगा आपका सहारा, एंड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा अंटार्कटिका। ओवरऑल पूछ लिया लार्जेस्ट डेजर्ट तो भी अंटार्कटिका, होप दिस क्लियर। नाउ दोस्तों, ये आप एक बार दोबारा से मैप देख सकते हैं, ये आ गया जी आपका गोबी डेजर्ट, ये आ गया आपको तकलामकान डेजर्ट, ठीक है। इसके बाद में ये अरेबियन डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, यहीं पर है आपका ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट भी है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे अरेबियन डेजर्ट भी आ गया। नाउ दोस्तों, ये आ गया आपका सहारा डेजर्ट, देखें साइज भी काफ़ी उसका बड़ा है सहारा डेजर्ट, और ये आ गया आपका कालाहारी डेजर्ट, ये आपको देखने को नमीब डेजर्ट, ये भी अफ्रीका का एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट है नमीब डेजर्ट, ठीक है। साउथ अमेरिका का ये डेजर्ट आपको देखने को अटाकामा डेजर्ट, डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका ग्रेट बेसिन डेजर्ट दोस्तों इसको बोलते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। नाउ आपके सामने ये लिस्ट देख लें आप, ये लिस्ट, पहला अंटार्कटिक डेजर्ट कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है दोस्तों, सिंपल। दूसरा है आर्कटिक डेजर्ट, देख लिया, तीसरा है सहारा डेजर्ट, चौथा है अरेबियन डेजर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अरेबियन डेजर्ट में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, अरेबियन डेजर्ट दुनिया का चौथे नंबर पे डेजर्ट आ रहा है, तो लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया जो है वो आ जाएगा आपका दोस्तों अरेबियन डेजर्ट। ये कैसा डेजर्ट है, ये एक हॉट डेजर्ट है, ठीक है। और पांचवें नंबर पे जो डेजर्ट है ये आ रहा है आपका गोबी डेजर्ट दोस्तों, ये भी एशिया में है लेकिन ये कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। तो अगर एशिया में दो तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, अगर एशिया में सीधा बोल दिया लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया तब तो बोल दोगे अरेबियन डेजर्ट, अगर पूछ दिया लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन एशिया तो गोबी डेजर्ट,
लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन एशिया, तो आपका अरेबियन डेजर्ट। तो अरेबियन और गोबी में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन रखना। ओवरऑल अगर आप एशिया में पूछ लेगा तो वो अरेबियन, अगर कोल्ड पूछ गया तो दोस्तों आप बोलेंगे गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट आपको चाइना और मंगोलिया में देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, पैटागोनियन डेजर्ट ये भी साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में दो हो गए अटाकामा एंड उसके बाद में पैटागोनियन डेजर्ट दोस्तों। सीरियन डेजर्ट अगेन आपका मिडल ईस्ट में, आपको सीरिया जॉर्डन इराक में देखने को मिलेगा। ग्रेट बेसिन डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में आपको ये डेजर्ट देखने को मिलता है। ये टॉप के 10 इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, यहाँ से कई सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, बनाए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। चलो जी, दुनिया का नंबर वन डेजर्ट की बात करते हैं, अंटार्कटिका डेजर्ट। चलो भाई यहाँ पे बता दिया हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन आपको याद नहीं है, करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलो भाई, पोलर डेजर्ट है, ठीक है। बोलता जी एवरेज टेम्परेचर जो है -63 डिग्री सेल्सियस है एवरेज, इससे भी कम जा रहा है दोस्तों, इससे भी कम जा रहा है, माइनस में चले जा रहा है, ठीक है जी। 2 सेंटीमीटर के आसपास बोल रहा है जी, लेस उससे भी कम जो बारिश यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। लैंडस्केप कैसा है, ज़मीन के यहाँ पे कैसी है दोस्तों, आइस शीट्स मिलेंगे, ग्लेशियर्स मिलेंगे, कुछ रॉक्स आपको माउंटेन रेंजेस वगैरह मिलेगी, वो भी लदी हुई हैं दोस्तों बर्फ से, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इट इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ठीक है जी। चलो भाई दोस्तों आगे, उसके बाद अगला है सहारा डेजर्ट। आर्कटिक डेजर्ट को छोड़ दो, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। सहारा डेजर्ट आपको नॉर्दर्न अफ्रीका में देखने को मिलेगा दोस्तों। क्लाइमेट कैसा है, हॉट है ऑफ कोर्स। एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, ये एवरेज है, इससे कई ज़्यादा टेम्परेचर होता है आपका, 50 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है जी। चलो भाई देखो, बोल रहे हैं हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर, जो रिकॉर्ड यहाँ पे किया गया है, ठीक है, जो पाया गया है 58 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर गया, बहुत होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा होता है। प्रिसिपिटेशन आपकी 250 मिलीलीटर यानी कि 10 इंचिस के आसपास की आपको देखने को मिल जाएगी। लैंडस्केप बोल रहा है ये ड्यून्स है, रेत के पहाड़ वगैरह आपको मिलेंगे, रॉकी प्लेट्यूज वगैरह मिल जाएंगे, माउंटेन्स भी हैं, ओएसिस जैसी फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको पता है, कोई मसला नहीं है इसमें। सहारा जो है इट इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट एंड द थर्ड बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिक आर्कटिक सहारा दोस्तों, ठीक है जी। चलो भाई आपको और क्या करना याद, आपको और कुछ नहीं याद करना दोस्तों, ठीक है। चलो भाई, तो सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, अफ्रीका में है। अफ्रीका के और कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स भी हम देख लेते हैं, अफ्रीका के और कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट भी देख लेते हैं दोस्तों। सहारा तो है, सहारा के बाद है कालाहारी डेजर्ट, इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा डेजर्ट है दोस्तों। कालाहारी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, बोत्सवाना, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका में। देन ओगेडेन ईस्टर्न अफ्रीका में, यानी कि आपको इथियोपिया, सोमालिया, सोमालियालैंड, इन कंट्रीज में देखने को मिलेगा। एंड गुबन सोमालिया में, एंड नामीब डेजर्ट अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। इतना भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बड़े रेयर चांस है कि आपको बोलेगा बताओ किस किस कंट्री में है। सिंपल आपको ये बोलता है कि बताओ जी अफ्रीका में कौन सा डेजर्ट है, कौन सा डेजर्ट नहीं है, या फिर ये डेजर्ट है नामीब, बताओ किस कॉन्टिनेंट पर पड़ता है। सिंपल इतना तो आप तुक्का भी लगा देंगे अगर आपको कॉन्टिनेंट भी पता होगा तो, ठीक है दोस्तों। तो अफ्रीका, आपको पता है अफ्रीका के जो लोग होते हैं ना बेचारे, उनका रंग जो है ना वो थोड़ा सा काला होता है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही होता है, जैसे मेरा रंग है काला तो आप समझे, वैसे ही उनका रंग जो है आपको पता है काला होता है। दूसरे अफ्रीकन जो देश हैं ये बिल्कुल अंडर डेवलप देश हैं बेचारे, गरीब देश हैं, ये भी आपको पता है गरीब देश हैं। देखिए कपड़े वपड़े भी नहीं होते, खाने की भी उतनी सुविधा नहीं, तो गरीब मुल्क वहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ऊपर से काला। तो अफ्रीका में आप देखेंगे कालाहारी डेजर्ट, ये तो आपको पता ही लग जाएगा, नाम से पता लग रहा है कालाहारी डेजर्ट। दूसरा दोस्तों गरीब होते हैं तो भाई सहारा वगैरह देना चाहिए यार, लोगों को मदद वदद करनी चाहिए, करते भी हैं, चलो जी। ओगेडेन, ओगेदान समझ लो, ओगेदान, दान, दान भाई, दान धर्म करना चाहिए यार अफ्रीका के मुल्क के लोगों को, ठीक है जी। एंड गुबन, गुबन आप गुमान समझ लें, लोग अपना जो गुमान है ना पैसे का वो छोड़ देना चाहिए और ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो कि बेचारे गरीब हैं, गुमान छोड़ देना चाहिए। नामीब, नामीब का नेम समझ लो, नेम, ठीक है जी, अपना नाम वाम जितना भी है ना, बिना दान पुण्य के कुछ नहीं रखा इस बंदों की हेल्प करनी चाहिए, तो अपना नाम जो है उसको भूल के दान करना चाहिए, ओगेदान, ठीक है, दान करना चाहिए। सहारा किसी का बनना चाहिए, ठीक है जी। कालाहारी डेजर्ट, ये सारे के सारे डेजर्ट जो अफ्रीका में आपको देखने को मिलते हैं, इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे दोस्तों।
इसके बाद आ गया डेजर्ट सीन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट्स अगर आपको देखूं, देखो ऑस्ट्रेलिया में ना एक आपको डेजर्ट, वैसे तो अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ा डेजर्ट क्या है तो आप बोलेंगे ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, सिम्पसन गिम्सन। दोस्तों ये सन जो है ना, ये सन सिम्पसन एंड गिप्सन डेजर्ट जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ये सन गिप्सन सिम्पसन याद रख लेना। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट दोस्तों इंग्लैंड का एक एक्सप्लोरर था, यूके से गया, उसने 1875 के आसपास देखा, एक्सप्लोर किया, वो डेजर्ट देखा, उसने बड़ा डेजर्ट था तो उसने क्वीन वहाँ पर रूल करती थी, उसका नाम विक्टोरिया था, नाम रख दिया ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ठीक है। तो सबसे बड़ा डेजर्ट जो ऑस्ट्रेलिया में है, लार्जेस्ट ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है दोस्तों, ठीक है। अच्छा एक डेजर्ट और आपको देखने को मिलता है, बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। दोस्तों ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो है, ये डेजर्ट आप समझे क्या होता है, ये कोई एक डेजर्ट नहीं है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ठीक है, एक डेजर्ट नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ डेजर्ट। बिकॉज अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखते हैं ना, अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो बड़ा ड्राई है, तो ड्राई है तो वो पूरा का पूरा डेजर्ट ही कंसिडर किया जाता है, रेनफॉल वहां पे प्रेसिपिटेशन कम देखने को मिलती है, तो पूरे के पूरा जो इलाका है वो डेजर्ट ही है, तो सब डेजर्ट्स को अगर आप मिला दें तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स उनको बोल देंगे। लिखा है द डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट बोलता है, ये इतना ज्यादा एरिया कवर करता है, बोलता है लगभग 18% ऑस्ट्रेलिया का मेनलैंड जो जमीन है ना ऑस्ट्रेलिया की, उसका 18% ये डेजर्ट आपका कवर कर रहा है, लेकिन 35% ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट का जो हिस्सा है वो रहा, उसमें बड़ी कम रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिकल डेजर्ट ही आप मान लें, ठीक है। तो आप बोलेंगे 35% इलाका ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट ही है, ठीक है जी, जिसको कलेक्टिवली बोला जाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ठीक है जी, याद रखना ये वेस्टर्न प्लेट्यू लोलैंड्स ऑफ द कंट्री, इसको छोड़ दें आप, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है अगर आप कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से देखें सबसे ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये लिखा है ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। चलो जी, अराइंड 35% कॉन्टिनेंट रिसीव जो है वो कम बारिश इसको मिलती है, और जिस वजह से कैन बी क्लास एज डेजर्ट, जिसे डेजर्ट बोल सकते हैं, ठीक है जी, सिंपल। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, आपका ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, सिम्पसन गिप्सन, ये तो हो ही गए, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ठीक है, इतने याद रख सकते हैं आप इतनी सी बात, सिंपल दोस्तों, ये हो गया ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। नाउ दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट एशियन डेजर्ट। एशियन डेजर्ट पढ़ने से पहले आप एक नज़र इस मैप पे डालें, इस मैप पे डालें, ठीक है। चलो भाई दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये है थार डेजर्ट, ठीक है, थार डेजर्ट। ये ऊपर अगर आप चलेंगे तो ये आपको चाइना मंगोलिया में मिलेगा गोबी डेजर्ट, ठीक है दोस्तों, गोबी डेजर्ट, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अरेबियन डेजर्ट, सॉरी यहाँ पे नहीं अरेबियन डेजर्ट, यहाँ पे ये आ गया पूरा का पूरा अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन डेजर्ट, ठीक है। ऊपर है दोस्तों सीरियन डेजर्ट, ठीक है, ये है आपकी कैजलकुम डेजर्ट, काराकुम डेजर्ट, दश्ते कावीर, दश्ते लूट डेजर्ट, ठीक है, ये बड़े डेजर्ट हैं, टॉप से मैं आ रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके जो याद रखने की जरूरत है, ठीक है। एक ये है आपका तकला मकान भी है, ठीक है, बस आपको ये ही डेजर्ट्स देखने को मतलब डेजर्ट सोन भी है, आपको यही डेजर्ट पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है, यही डेजर्ट आपको पढ़ने हैं। नंबर वन चलते हैं हम अपने डेजर्ट्स की और, अरेबियन, नंबर वन अरेबियन, आपको पता है अरेबियन डेजर्ट एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और कैसा डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है दोस्तों, ठीक। किन कंट्रीज में आपको ये देखने को मिल रहा है, तो इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट, यूएई यानी कि दुबई, एंड यमन, इन सारी की सारी कंट्री यानी कि पूरे के पूरे अरेबियन पेनिनसुला में ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों अरेबियन डेजर्ट। नेक्स्ट है आपका गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, ठीक है। अरेबियन डेजर्ट के बाद अगला नंबर सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है एरिया वाइज, और अगर कोल्ड की बात करोगे तो कोल्ड में नंबर वन पे आएगा एशिया में दोस्तों, ठीक है। चलो भाई ईस्टर्न एशिया कहाँ पे, आप दो इतनी सी बात याद रखें, चाइना और सदर्न मंगोलिया में ये आपको देखने को मिलता है वेरी कोल्ड डेजर्ट। इट्स नेम गोबी ओरिजिनेट फ्रॉम मंगोलियन टर्म, जिसका मतलब ये है कि एरिड मतलब सूखा इलाका, रिजिड है, मंगोलियन प्लेट्यू को बोला गया, ठीक है जी। चाइनीज में भी गोबी का मतलब सेम ही है, रॉकी सेमी एरिड लैंडस्केप है, ठीक है जी, सूखी भूमि जो है उसको बोला गया है आपका
गोभी, समझ गए। चलो ड्राई लैंड, ठीक है समझ। नेक्स्ट है दोस्तों सीरियन डेजर्ट, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया एंड सीरिया में ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है काराकुम डेजर्ट, काराकुम आपको तुर्कमेनिस्तान में दोस्तों मिलता है, तुर्कमेनिस्तान में। काइजलकुम डेजर्ट कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। थार डेजर्ट आपको पता ही है, इंडिया प्लस पाकिस्तान। दश्ते लूत, दश्ते काबिल, दोस्तों ये दश जो है ये दश, ठीक है, दश्ते लूत एंड दश्ते काबिल, ये दश दश्ते जो है ये आप याद रखना, ईरान में ही आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। दश्ते लूत, लूट भाई, लूट मचा ली भाई, भाग लेगा रैन, ईरान रैन, ठीक है, रन ईरान, भाग गया लूट के, ठीक है जी। चलो भाई तो इतनी सिंपल सी बात है, दश्ते लूत दश्ते काबिल ईरान में, ठीक है जी। और इसके बाद में ये है आपका काराकुम तुर्कमेनिस्तान, काइजलकुम तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, इन एरियाज में देखने को मिलता है। अरेबियन डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है, उसके बाद गोबी डेजर्ट है, उसके बाद सीरियन डेजर्ट है, ये हमने देख लिया दोस्तों। नाउ डेजर्ट्स इन अफ्रीका, ठीक है, डेजर्ट्स इन अफ्रीका रिपीट हो गया, अच्छा वो हमने देख लिया ऊपर, ठीक है। कालाहारी डेजर्ट देख लेते, वो तो हमने पढ़ लिया, वैसे ही थोड़ा सा चेंज हो गया। तो कालाहारी डेजर्ट जो है इतने एरिया में है, छोड़ दें इसको, क्या कर रहे हैं आपको, चलो जी, अक्रॉस बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, ये हमने ऊपर भी देखा, तीन कंट्रीज में कालाहारी डेजर्ट जो है वो स्प्रेड है, अफ्रीका का डेजर्ट। नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट देख लें दोस्तों, वैसे तो सबसे बड़ा डेजर्ट आपको ग्रेट बेसिन डेजर्ट देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट में, और ये यूनाइटेड स्टेट का लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तो कोल्ड ही है दोस्तों, ठीक है। चलो भाई दोस्तों, ठीक है, और इसके बाद में देखेंगे आप चिवावास, ठीक है, चिवावा जो है ये आ गया मेक्सिको यूएस में, और ये लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, ये दो तो आप याद रख लें, ठीक है। ग्रेट बेसिन कोल्ड है, चिवावा जो है आपका, ये आपका मेक्सिको यूएस में फैला हुआ हॉट डेजर्ट है। इसके बाद में कोलोराडो प्लेट्यू है, सोनोरन है, मोजावे है, कोलंबिया है, नहीं भी देखेंगे आप इनको, थोड़ा सा याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों साउथ अमेरिका, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। अटाकामा डेजर्ट चिली एंड पेरू कंट्री में है, पैटागोनियन डेजर्ट अर्जेंटीना एंड चिली में है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये देख लें, ठीक है जी, ये आ गया आपका अटाकामा डेजर्ट, ये आ गया पैटागोनियन डेजर्ट, ये नीचे, ये नहीं आ गया पैटागोनियन, ठीक है जी। और साथ साथ में थोड़ा वर्ल्ड मैप वगैरह भी देखा करो, खुद भी थोड़ा एटलस वगैरह देखा करो, कंट्रीज की लोकेशन वगैरह देखा करो, ठीक है। जिनकी वर्ल्ड मैप की पकड़ अच्छी होगी ना, तो उन्होंने इसको बड़े आराम से देख लिया होगा कि किन किन कंट्रीज में। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखेंगे कि भाई ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने का, सदर्न अफ्रीका में देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, तो आपको पता लग सकता है। ये आप देखेंगे, ये भी आपका सदर्न साउथ अमेरिका में देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे कौन सी कंट्रीज है, यहाँ पे वेस्ट कोस्ट पे कौन सी कंट्री, तो ऐसे पता लगाया जा सकता है, ठीक है। चलो नॉर्थ अमेरिका का भी हो गया, साउथ अमेरिका का भी हो गया, एक बार नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट दोबारा देख लें आप, ठीक है। ग्रेट बेसिन, ठीक है, चिवावा जो है दूसरा है, कोलोराडो, सोनोरन, मोजावे जो है, चलो भाई, और कोलंबिया बेसिन है, ठीक है, कनाडा एंड यूएस में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जब एमसीक्यूज करेंगे तो और डिस्कशन होगी, और अच्छे से इस पर हमारी पकड़ हो जाएगी। तब तक आप ये कॉन्सेप्ट जो है अपना ये ठीक करें, तेज करें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।